very good morning to you, sir, and to everyone present over here. And I'll like to thank Akansha for nominating me for this week's Man Ki Baat. And I'd like to take this opportunity, and without any further ado, I'd like to start. सबसे पहले तो मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि बहुत लोग मुझे यहाँ पे जानते हैं. कुछ लोगों के साथ मैंने अपने जीवन के बारे में काफ़ी कुछ शेयर किया है कि लोग मुझे समझते हैं कि मैं बहुत बड़ा आर्टिस्ट हूँ या तो मैं खिलाड़ी रह चुका हूँ, कभी कुछ कुछ चीज़ें करता है लाइफ में क्रिएटिव. लेकिन अगर मैं आप सबको ये बताऊँ कि पिछले साल एक साल पहले मैं चल नहीं पा रहा था और मैं बिस्तर पर पड़ा हुआ था, मेरे दोनों किडनीज फेल हो गए थे, मेरे लंग्स से पानी भर गए थे और मैं ICU में 28 दिन था, तो क्या आप लोग बिलीव करोगे? नहीं नहीं करेंगे, क्योंकि मैं भी आप सबके सामने चल रहा हूँ, नॉर्मल दिख रहा हूँ. थोड़ा कम करना चाहिए. मैंने 37 किलोस कम किए हैं छः महीनों में. तो ये क्या हुआ, कैसे हुआ, मैं आप सबके साथ ये शेयर करना चाहता हूँ अपना एक्सपीरियंस लाइफ का. ये बात है 2017 की मूवी आई थी ट्यूबलाइट सलमान खान की. मैं अपने मम्मी के साथ गया था देखने के लिए. मेरे बर्थडे के दिन गया था क्योंकि उससे मेरे फ्रेंड्स वहाँ पे थे नहीं, तो मैं गया हुआ था मूवी देखने. मूवी देख के आया, मूवी इतना बोरिंग था, देख के मुझे ऐसा सदमा लगा कि मैं बेहोश हो गया. घर में आके बेहोश हो गया क्योंकि मुझे चक्कर आ गया और कुछ रीज़न था, तो घर में किसी को पता नहीं था. क्योंकि हम लोग अपने लाइफ में इतने बिजी रहते हैं कि हम लोगों को फर्स्ट एड के बारे में नॉलेज नहीं है. कभी कुछ इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए तो क्या करना है, कैसे डील करना है, किसी को पता नहीं है. तो घर में कोई आयुर्वेदिक उपाय, कोई बाबा का नुस्खा, कोई कुछ योगा, कुछ रामदेव बाबा, कुछ भी, ये सारी इलाज चलते रहे. डिले इतना हो गया कि धीरे 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 मेरे बॉडी में जहर बढ़ता गया. वो एक मिस्टेक था. और उसके बाद हम लोग चिकित्सा कराने के लिए गए. एक मेरी ही नोन एक चाचा हैं, वो उन्होंने बोला कि क्लिनिक में ले आओ. तो क्लिनिक में जब देखे तो उनको ऐसा फील हुआ कि इसका बॉडी तो पूरा पीला पड़ गया, इसको इमीडिएट इसको एडमिट करो. एडमिट किए तो पता चला कि बॉडी में मेरा ब्लड कम हो चुका था. शुगर लेवल 630, ब्लड प्रेशर 200 प्लस, क्रिएटिनिन लेवल 9.8. तो ये सारी चीज़ें जहर बढ़ता रहा और धीरे धीरे मुझे, उनको पता भी नहीं था, ये उनकी गलती भी नहीं, जब तक टेस्ट के रिजल्ट आए तब तक के काफ़ी कुछ बिगड़ चुका था, ग्लूकोज बॉडी में बहुत बढ़ चुका था. फिर उन्होंने सीधा बोला कि यार इसको आप या तो वेल्लोर लेके जाओ इलाज के लिए, या तो फिर अपोलो बिलासपुर में रिफ़र करो. मैं किसी हॉस्पिटल के बारे में यहाँ पे कुछ ख़राब फीडबैक नहीं दे रहा हूँ या किसी हॉस्पिटल के बारे में तारीफ़ नहीं करना चाह रहा हूँ कि किसने कैसा काम किया है. ये फ़ाइट जो था ये सिर्फ मेरे अंदर का फ़ाइट था. ये डॉक्टर क्रेडिट लेके चले जाता है, नर्स लेके चली जाती है, लोग बाग आते हैं जाते हैं, कौन कैसे मर रहा है, कौन कैसे जी रहा है, किसी को मतलब नहीं. सब अपने लाइफ में अगले दिन बिजी हो जाएंगे. अभी जो चल रहा है वो जो चल रहा है चल रहा है, लेकिन सब बस देखने आते हैं कि हाँ ये कैसे मर रहा है. तो वो एक टाइम था, मैं एडमिट हुआ अपोलो में जाके और मैं चल के गया था. और उसके बाद जब अपोलो पहुंचा तो व्हीलचेयर मुझे लेके उन्होंने वहाँ पे एडमिट किया. मेरे पिताजी ने मुझे बचपन से स्पोर्ट्स में काफ़ी कुछ बढ़ावा दिया है कि स्विमिंग करो. क्लास 3 से मैं स्विमिंग करता था, 5 साल मैंने सीखा. तो मुझे ये चीज़ का एक नॉलेज था, मुझे पता था कि ये हर चीज़ कहीं ना कहीं कनेक्टेड है. कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं आपका काम ज़रूर आता है लाइफ में. अगर आपने आज लिखना सीखा है तो बाद में हो सकता है आप लेखक बन सकते हैं, बाद में हो सकता है. अगर आपको स्केचिंग करना आता है हो सकता है कि आप आर्टिस्ट बन सकते हो. ये सारी चीज़ें कनेक्टेड है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो लिंक बैठ जाता है. तो उस समय मैंने स्विमिंग सीखा हुआ था, सांस रोकने की प्रैक्टिस कराते थे. तो मुझे लगता था कि बेकार चीज़ है, मुझे तो कोई स्विमर बनना नहीं है. तो लेकिन फिर भी मैंने अपने पिताजी के आग्रह करने पर मैंने बोला कि चलो सीख लेते हैं. फिर मैंने टेनिस भी सीखा, बैडमिंटन भी सीखा, सब चीज़ सीख के रहा, क्योंकि मेरे पिताजी स्पोर्ट्समैन हैं, अभी भी खेलते हैं. तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आई ICU में, जब क्योंकि हमको वहाँ पे कोई बताता नहीं है कि कैसे कोई ब्लड लेने आ रहा है तो हमको कैसे बिहेव करना है. ये सारी चीज़ें हमको बताई नहीं जाती, वो आते हैं सीधा लेके चले जाते हैं, कैसे क्या करना है हमको नहीं पता प्रोसीजर. ये बताना चाहिए उनको, नहीं बताते. तो जब मैं ठीक था तब तक मैं सबका बहुत कंप्लेंट किया, क्योंकि रात को वहाँ पे नर्सेस AC बंद कर देती थी, क्योंकि मुझे बहुत हाई पावर का मेडिसिन लगता था वहाँ पे. तो मेरी बॉडी में बहुत हीट जनरेट होता था, तो मुझे बहुत दिक्कत होता था वहाँ पे. रात के समय में AC बंद रहता था, मुझे गर्मी होती थी, नर्सेस वहाँ पे चादर ओढ़ के सोती थी. रात को 2-3 बजे मैं उठ के बैठ के देखता था, काफ़ी लोग मेरे सामने मरे, काफ़ी लोग मेरे सामने वापस ठीक होकर चले गए. तो मैंने काफ़ी कंप्लेन किया कि ये ठीक से काम नहीं करते हैं, क्योंकि मैं एक जागरूक नागरिक हूँ और मुझे ये चाहिए कि सब लोग अपना काम अच्छे से करें. तो मैंने अपना वहाँ से बताया अपने पिताजी को कि इन लोग ठीक से काम नहीं कर रहे. 7 दिन के बाद मैं ठीक होकर आ गया, वार्ड में आ गया. उसी रात को मुझे ब्रीथिंग का बहुत प्रॉब्लम हुआ, इशू हुआ. मैंने पिताजी को बोला कि पिताजी मुझे बहुत दिक्कत हो रहा है, सांस नहीं आ रहा बिल्कुल भी, 0 एयर, मैं ले नहीं पा रहा हूँ सांस. तो मेरे पिताजी ने नर्सों को बुलाया,
नर्सेज आई, उनको कुछ पता नहीं क्या हो रहा है, कि समझने की कोशिश कर रहे हैं, किसी को समझ भी नहीं आ रहा है। वहाँ पे डेढ़ घंटे तक काफ़ी कुछ एक्सपेरिमेंट हुआ मेरे ऊपर, कुछ हुआ नहीं। फाइनली उन्होंने डिसाइड किया कि एक स्ट्रेचर लो जिसमें डेड बॉडी ले जाते हैं, आपको उसमें जंप करना है और उसके बाद फर्स्ट फ्लोर टू थर्ड फ्लोर लेके जाएंगे लिफ्ट में, और सांस नहीं आ रहा है थ्रू आउट। तो 3 घंटे वो एक स्ट्रगल था जब मुझे सांस नहीं आ रहा था, मैंने पिताजी को सामने देख रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था क्या ये वही मोमेंट है, क्या मुझे कुछ कहना चाहिए या क्या उनको कुछ कहना चाहिए, क्या सब कुछ क्लियर कर देना चाहिए जो भी हिसाब किताब है। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैं देख रहा था वही सारे चेहरे जो मैं ICU में छोड़ के गया था 7 दिन पहले, वापस आना पड़ रहा है। फाइनली ये डिसाइड हुआ, डॉक्टर ने मुझे बोला कि मयूर तुम्हारा बहुत तकलीफ हो रहा है, तुमको वेंटिलेटर में डालना पड़ेगा फाइनली। तो मुझे मैं वहाँ एग्री कर गया, मैं बोला कि ठीक है मैं एक्सेप्ट करता हूँ। तो उन्होंने मुझे वेंटिलेटर में फाइनली डाल दिया, मैं 28 दिनों तक वेंटिलेटर में था। और मैं इस सोच के साथ हॉस्पिटल में गया था मम्मी को प्रॉमिस करके कि मैं जग्गा जासूस देखना ज़रूर आऊँगा मम्मी के साथ, वो देखना था क्योंकि मेरी मम्मी मेरी मूवी बड़ी है, मम्मी के साथ मूवी देखना चाहता था। तो जग्गा जासूस बैठ बैठ के सोचता था वहाँ पे लेटे लेटे कि कब आएगी पिक्चर, आई है कि नहीं आई है, कि हो चुकी है कोई और मूवी आ गया, 15 अगस्त 26 जनवरी क्या चल रहा है, समय पता नहीं चलता था, दिन पता नहीं चलता था। वहाँ पे सुबह 4 बजे ठंडे पानी से नहलाते थे बिना किसी कपड़ों के, और हम पड़े रहते थे वहाँ पे, फीवर होता था, डॉक्टर्स को समझ भी नहीं आता था कि फीवर क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने सबके अगेंस्ट बहुत कंप्लेन किया था कि इन लोग काम करते नहीं। तो वो रंजिश निकाल रहे थे, गैंग अप हो गए थे, मुझे कोई सिस्टर अटेंड करने नहीं आती थी, वार्ड बॉय आता था ठंडे पानी से नहलाता था, बाकी सारे पेशेंट्स को गर्म पानी से नहलाया जाता था, नर्सेस करती थी, मुझे ठंडे पानी से नहलाते थे और मुझे कोई कपड़ा नहीं पहनाते थे क्योंकि रंजिश थी। तो सबके पिताजी आते थे, सबके पेरेंट्स आते थे सुबह ब्रश कराने के लिए, नाश्ता कराने के लिए, मैं भी देखता था। तो एक दिन आया ऐसा कि मेरे पिताजी नहीं आए देखने, और वो 3 दिन ऐसा रहा कि मैं सबको देखता था कि सबके पेरेंट्स आ रहे हैं, ब्रश करा रहे हैं, नाश्ता करा रहे हैं। तो मुझसे पूछता था नर्सेस कि आपके पेरेंट्स नहीं आए, तो मैं बोलता था कि आएंगे ज़रूर आएंगे, एक दिन आएंगे। तो उस समय वेंटिलेटर में था और मेरे नाक से पाइप डला हुआ था मेरे लंग्स के अंदर, मेरे दोनों पैर काम नहीं कर रहे थे, सेंसेस नहीं थे, मेरे दोनों हाथों में कोई सेंस नहीं था। मेरे यहाँ चेंबर बना दिया गया था नेक के पास क्योंकि मुझे डायलिसिस देना था। तो टोटल 8 डायलिसिस का मैंने वहाँ पे राउंड्स लिया है, और एक एक डायलिसिस के बाद पूरा बॉडी फूल जाता है, सूख जाता है, क्योंकि मैं यंग हूँ इसलिए मेरे यहाँ से उन्होंने चेंबर बनाया था। मेरे हाथ में वेंस दिखते नहीं थे इसलिए उन्होंने यहाँ पे डाला था दवाइयाँ, स्टेरॉइड्स और बाकी सारी तमाम जितने भी दवाइयाँ थी सब वहीं से देते थे। तो एक दिन पापा आए और पापा ने मुझे बोला बेटा कुछ तकलीफ तो नहीं हो रहा, मैं पापा को बस इशारे से बोला कि मेरा ये पैर को राइट से लेफ्ट कर दो बस, मैं इतना नहीं कर पा रहा हूँ। तो पापा है बोलते, पापा ने बोला कि चल सब ठीक हो जाएगा बेटा, चिंता मत करो। और मैं बोला कि मुझे कागज़ रखते हैं, तो मैंने लिखा, मैंने बोला कि मुझे बहुत तकलीफ हो रहा है, मुझे यहाँ से निकलना है, बहुत हो गया अब और नहीं हो रहा है, कितना दिन हो गया मुझे नहीं पता, मुझे बाहर जाना है, मुझे फैंटा पीना है, मुझे पिज़्ज़ा खाना है, मुझे मूवीज़ देखनी है। तो ऐसे इसलिए मैंने बोला क्योंकि जितने नर्सेस थी सारे सामने पार्टी करते थे, समोसा खाते थे, चाट गुपचुप पिज़्ज़ा सब खाते थे, और मैं देखता था मुझे दवाइयाँ मिलती थी, खिचड़ी और ये सब कुछ कुछ मिलता था। तो जब मेरे मुंह में वेंटिलेटर डला था, तो एक प्रोसीजर होता है वेंटिलेटर पेशेंट्स का कि दिन में 3 बार वो वेंटिलेटर निकालते हैं, जो एक पाइप जाता है लंग्स के अंदर तक जाता है उसको निकाल देते हैं, ऑक्सीजन वैसे भी नहीं आ रहा है। अब आप इमेजिन करिए कि आपको अगर फील कराना है मुझे कि कैसा फील होता है, तो अगर मैं आपको बोलूँ कि आप सांस कितना देर पानी के अंदर रोक सकते हैं, तो आप बोलोगे कि 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड्स। तो ये 30 सेकेंड्स के बाद का जो फाइट है वो मैं लड़ रहा था वहाँ पर, तो ये वो फाइट था। और वो 1 मिनट नॉनस्टॉप रहता था, और उसमें उन लोग पानी डालते थे गले के अंदर ताकि कफिंग हो। तो अगर पानी, क्योंकि मेरे लंग से पानी भर चुका था पूरा, वो मेडिकल मिसहैप था, तो उसको निकालने के लिए, तो वो प्रोसीजर इतना पेनफुल होता था कि मैं उसको पकड़ के रखता था पाइप को, क्योंकि मैं बोल तो सकता नहीं, मेरी आवाज़ भी चली गई थी। तो मैं उसको पकड़ के हिलाता था कि मुझे और सांस नहीं आ रहा, मैं और नहीं रोक सकता। वो क्योंकि मैंने स्विमिंग किया हुआ था, मैंने स्पोर्ट्स खेला हुआ है, तो मुझे पता है कि नेवर गिव अप, कभी भी हार नहीं मानना है, मैंने अभी कुछ किया नहीं लाइफ में, मुझे बहुत कुछ अचीव करना है। और ये वो पॉइंट नहीं कि मुझे अभी यहाँ से जाना है, मुझे सबके चेहरे याद आते थे, घर वालों के, बहुत से ऐसे लोग जिनकी बहुत आशाएं थी, उम्मीदें थी मुझसे कि मयूर ये कर सकता है, मयूर तो ये भी करता है, मयूर तो वो भी करता है। तो उन सब का चेहरा आता था, भले वो आते नहीं थे देखने मिलने, लेकिन उनका हमेशा ध्यान रहता था। तो ये प्रोसीजर हुआ, दिन में 3 बार 4 बार डेली होता था, लाइन से 4 लोग बहुतों का डेथ हुआ, डेली रात को देखता था, मैं हमेशा जागरूक रहता था, सोता नहीं था, नींद होती नहीं थी, मशीनों की इतनी आवाज़ें होती थी, तकलीफ़ें बड़ी थी, ये हाथ पूरा फूल गया था, पूरा बॉडी फूल गया था, डायलिसिस कंटिन्यूस चल रहा था,
मुझे नहीं पता था पापा जिस दिन मुझसे मिलने आए थे लास्ट, वो डॉक्टर ने क्या फीडबैक दिया था। वो तीन दिन पहले मेरे फ्रेंड ने मुझे फ़ोन करके बोला मयूर एक साल हो चुका है तो मैं कुछ शेयर करना चाहता हूँ। तब मुझे पता चला कि उस रात को डॉक्टर ने बोल दिया था कि ये आर या पार का मामला है, आज इसका खेल खत्म है, ये या तो आज मरेगा या तो फिर अगर बच गया तो बच जाएगा। तो उस रात मुझे नहीं पता था, सब ऐसे चेहरे आए मेरे सामने जिनसे मैं डेली हंस के मिलता था, जो मुझसे मजाक करते थे, हंसते थे, गले मिलते थे, वो सबके चेहरे लटके हुए, आँखें लाल, आंसू आ रहे, सब कंट्रोल कर रहे हैं, कोई बताना नहीं चाह रहा, और अंदर का माहौल इतना अच्छा कि पता भी नहीं चलता कि हमारे बॉडी के साथ क्या चल रहा है। तो पिताजी आए, बोले कि बेटा सब बॉस है, अंकल लोग आ रहे मिलने के लिए। मैं बोला ठीक है, बुलाओ सबको। तो ऐसा हुआ अपोलो उस हॉस्पिटल की हिस्ट्री में कि एक साथ टोटल 150 मेंबर्स एट ए टाइम, मतलब अलग अलग टाइम में आ रहे थे सबके सब, मुझसे मिले। तो मुझे ऐसा कुछ फील हुआ कि ऐसा क्या हुआ कि मेरा भाई भी आ गया, मम्मी तक चल गया। मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि एक साल पहले मेरा एडमिट होने के एक साल पहले मेरी मम्मी के दोनों घुटनों का नी रिप्लेसमेंट सर्जरी हुआ था, और मेरे घर में किसी को समय नहीं था कि मेरी मम्मी को कोई वॉक कराए, और फिजियोथेरेपी वगैरह तो सब अपनी जगह है लेकिन घर में आने के बाद भी बहुत केयर करना पड़ता है। तो मैं मम्मी को वॉक कराता था और पूरी दुनिया देखती थी कि ये वॉकिंग करा रहे मम्मी को। तो जब मैं एडमिट हुआ तब मैं सोचता था कि मेरी मम्मी को कौन वॉक कराएगा। तो वो एक मोमेंट था कि मम्मी चल के आई मेरे सामने, उस जब मैं वहाँ पे पड़ा हुआ था उस लास्ट मोमेंट में मम्मी चल के आई। मम्मी मुझे कुछ नहीं बोली, उनका गला सूख चुका था, और उनका चेहरा देख के मम्मी ने मेरे कान के बाजू में हनुमान चालीसा का एक छोटा सा किताब रख दिया, और भी परिजन जो थे वो सब पंडित वंडित ले के आया, बोले कि मेरा सब ठीक हो जाएगा, कोई तकलीफ़ तो नहीं हो रहा। तकलीफ़ तो हो रहा था, कैसे बोलूँ, तकलीफ़ तो होता ही है। अब तकलीफ़ ले लेके ऐसा हो गया था कि और तकलीफ़ का कोई गुंजाइश नहीं था कि और कितना तकलीफ़ देना है जो दे। अब ऐसा हो गया था कि ब्लड लेना है, ये लोग कितना ब्लड लेना है, ब्लड लेने का ऐसा था कि रिस्क से निकालते थे ब्लड, क्योंकि हाथ से आता नहीं था, गले से निकालते थे, पैर से निकालते थे, और ब्लड कहाँ से निकालेंगे, ब्लड ही नहीं है बॉडी में, तो शुगर लेवल बढ़ा हुआ है। फिर फाइनली वो मम्मी को जब मैंने देखा कि मम्मी आई मुझसे मिलने, मम्मी ने मुझे बोला कि देखो मैं छड़ी लेके नहीं आई, सिर्फ तुमसे मिलने आई हूँ। उसके पहले तक 28 दिन तक मम्मी मुझसे कभी मिलने भी नहीं आई, ना मेरे पिताजी ने मम्मी को बताया कि यहाँ गले मेरा चैम्बर बन गया, ना मेरी मम्मी को पता था कि मुझे डायलिसिस लगा है, ना मेरी मम्मी को पता था कि मैं वेंटिलेटर में हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी एक शुगर पेशेंट है और सबको लगा कि वो शायद नहीं संभाल पाएगी। लेकिन उस दिन मुझे पता चला कि मेरी मम्मी कितनी स्ट्रांग है, और वो चीज़ देख के मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे भी कुछ करना चाहिए। ये डॉक्टर तो अपना काम करे चले गए, 28 दिन हो चुके थे वेंटिलेटर में, एक एक घंटे का 2000 रुपये लगता है अपोलो में, 1 आवर वेंटिलेटर का प्राइस है 2000 रुपीज़। तो 28 दिनों तक था वो प्रोसेस। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि अब मुझे निकलना है यहाँ से। तो मैंने वहाँ पे नर्सिंग सुपरिटेंडेंट को बुलाया, इशारों से मैंने उसको समझाया कि मुझे यहाँ से निकलना है, कैसे निकलूँ। तो ये गेम यहाँ से चेंज हो रहा है, वो क्रिटिकल नाइट था, और ये गेम वहाँ से कैसे चेंज हो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरा भी खुद को भी मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ कि मैं कितना जागरूक रहा हूँ। ये एक्सेप्ट करने की बात है, हर कोई जाके वहाँ सरेंडर हो जाता है, गिवअप कर देता है कि डॉक्टर जो कर रहे हैं कर रहे हैं। ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम कोऑपरेट करें, जो कर रहे हैं प्रोसीजर वो करने दें। और मैंने उनको बोला, तो मुझे बोलते हैं कि जब तुम्हारे लंग से इतने ऑक्सीजन आ जाएगा और जब तुम सांस लेने लग जाओगे तब हम इसको निकाल देंगे। तो मैं बोला ठीक है, अब चाहे कुछ भी हो जाए, कोई मुझसे मिलने आए, मैं कोई रिस्पॉन्स नहीं दूंगा, मैं एकदम काम रहूंगा, पीसफुल रहूंगा, मुझे कोई मूवमेंट नहीं करना है, कोई एक्टिविटी नहीं करना। मैंने उस दिन से मैनिपुलेट करना स्टार्ट किया, मैंने पूरा सरेंडर कर दिया वहाँ पे कि जिसको जो करना है करो, मैं कोई रिएक्शन नहीं दूंगा, चाहे पिताजी आए, चाहे मम्मी आए, कोई भी आए। तो मैं पढ़ रहता था वहाँ पे, 2 दिन के अंदर मेरे रिपोर्ट्स चेंज हो गए, 2 दिनों के अंदर मेरा शुगर लेवल डाउन हो गया, सारी चीज़ें नॉर्मल होनी स्टार्ट हो गई। जो डॉक्टर मेरे सामने से होकर निकल जाते थे कि उनको ऐसा लगता था कि कोई उम्मीद नहीं है, सारा होप छोड़ चुके थे कि इससे कुछ होने वाला है, तो वो फाइनली आके देखने लगे कि ये कैसे सांस ले रहे, कैसे बढ़ने लगा सांस। तो मैं फिर उसको बोला नर्सिंग सुपरिटेंडेंट को कि मुझे यहाँ से निकलना है। तो उसने बोला तू आज वॉक करेगा मेरे साथ। मैं बोला कि मैं वॉक नहीं कर सकता, मैंने इशारों में बताया वॉक नहीं कर सकता, मैं पैर में हिल भी नहीं रहा, मैं पैर में कोई शक्ति नहीं। तो वो बोले कि मैं तुझे पकड़ूंगा। तो मैं अपना यूरिन का पाउच होता है उसको मैंने अपने हाथ पकड़ा, और खुद को संभालते हुए मैं वहाँ पे वॉक किया, मेरे पैर में कोई सेंस नहीं था, मैं वहाँ वॉक किया, और सारे डॉक्टर्स देखे वहाँ पे खूब आश्चर्यचकित हो गए कि ये 2 दिन पहले वेंटिलेटर में था, अभी कैसे वॉक कर रहा है। वेंटिलेटर में जो रहता है उसका 85-90% चांस रहते हैं कि उसका बचने के बहुत कम चांसेस रहते हैं, लेकिन वो 2 दिन बाद वहाँ वॉक कर रहा था। तो वो देख के सारे डॉक्टर्स वापस आए, सारे टेस्ट कराए, अगले दिन उन्होंने बोला तू आज बैठेगा चेयर। मैं बोला आज बैठ जाऊँगा।
मैं गिव अप नहीं करूँगा। तकलीफ बहुत हो रहा था, दर्द बहुत हो रहा था, फिर पीठ में से एक इतना बड़ा नीडल घुसा हुआ था मेरे बैकबोन में, वो सब सारी चीज़ें थी, नीडल वीडल सब थी, लेकिन मैं तब भी बैठा रिन का पाउच पकड़ के, और एक गाउन था जो कभी पता नहीं कभी आते ही नहीं खुल जाता है, तो उसको लगाने का मतलब ही क्या था। तो फिर भी मैं पकड़ के बैठा था इस उम्मीद के साथ कि डॉक्टर देखेगा, उसको ऐसा लगेगा कि ये उठ के बैठा है, इसको यहाँ से डिस्चार्ज करना ज़रूरी है। लेकिन वो देख के चले आते थे, तो मैं बोला कि यार अब तो मैं कुछ भी हो जाए मैं बैठूँगा 5 घंटा यहाँ पर। मैं बैठा रहा और फाइनली डॉक्टर्स के हाथों में वो चीज़ गई कि ये कोशिश कर रहा ठीक होने की। फिजियोथेरेपिस्ट आए, उन्होंने मुझे एक्सरसाइजेस दिया, बहुत तकलीफ हुआ, तकलीफ होता है सबको, लेकिन लड़ना पड़ता है। और मैंने काफ़ी स्ट्रगल करके मैंने वो सारे जो भी उन्होंने एक्सरसाइज कराया, डांस कराया, कोरियोग्राफी सब किया मैं, और मेरे पिताजी वापस आए, फिर लोग आए मिलने मुझसे, फिर उनके चेहरे मुस्कुराहट आई। तब मैं अपने पिताजी को देखा कि मेरे पिताजी की आँखों से मतलब आंसू तो रहते ही है, इमोशनल तो रहेंगे उनका बेटा हूँ तो, लेकिन उनके चेहरे मुझे खुशी दिखी कि यार एक होप उनके आँखों में दिखा। उसके बाद फाइनली वो दिन आया कि मुझे उन्होंने डिसाइड किया कि यार इसके मुँह से वेंटिलेटर निकालना पड़ेगा। जब उन्होंने निकाला, उसके 3 दिन के बाद तक मेरा आवाज़ नहीं था, कुछ बोल नहीं पाता था, आवाज़ एकदम ज़ीरो था, और गले से सिर्फ हवा निकलता था और कुछ नहीं। फिर एक और पाइप डाला मुँह में, फिर वो भी मैंने सेम प्रोसीजर फॉलो करते हुए मैंने वो पाइप भी निकलवाया मुँह से। फिर फाइनली एक नाक के अंदर से एक जाता है हमारे फूड पाइप में, वो एक पाइप लगा हुआ था जिसके कारण मैं खाना नहीं खा पा रहा था, वो भी निकल गया। और विद इन अ वीक मैं पूरा ट्रांसफॉर्म करके वहाँ से मैं वार्ड में शिफ्ट हो गया, सिर्फ और सिर्फ अपनी मम्मी को देख के और खुद मैनिपुलेट करके कि कैसे जागरूक रहना है। मुझे आज ही पता है, जो मुझे फीडबैक मिलता है कि जो पेशेंट मेरे समय में थे वो आज भी वहाँ पर एडमिट है, 1 साल हो गया, वेंटिलेटर से निकल नहीं पाया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको पता नहीं क्या करना, वो सरेंडर हो गया वहाँ जाकर, क्योंकि हम अपनी लाइफ में इतना बिजी है, हमको पढ़ा ही नहीं है कि कैसे हमको वहाँ पर सपोर्ट करना। अगर आज की डेट में कोई यहाँ बेहोश हो जाए आप क्या करोगे, किसी को पता है यहाँ पर क्या करना, CPR देना आता है किसी को? किसी को नहीं आता, हमको आते ही नहीं, कभी हमको स्कूल में सिखाया नहीं गया। लेकिन अगर किसी की जान बचानी है घर ही में, घर में किसी का ऐसा कोई सिचुएशन हो जाए, ऐसा ना हो, तो हम क्या करेंगे? घबराएंगे, फ़ोन करेंगे 4 लोगों को, यही करेंगे, तब तक तो जान चले जाएगी, तब क्या करोगे? तो ये बहुत ज़रूरी है कि फर्स्ट एड एटलीस्ट आप जाने, और कभी भी कुछ भी हो तकलीफ तो इमीडिएट डॉक्टर के पास एक्शन लेने जाए, ताकि कोई बड़ी चीज़ ना हो जाए। इसलिए मैं इसी बात को लेके कि उसके बाद तो फिर आप सब देख रहे हैं मैं कैसे रिवॉक कर रहा हूँ, सब कर रहा हूँ। तो 3 महीने जब मैंने प्रैक्टिस किया फुल वॉकिंग का, उसके बाद मैं यहाँ आया हूँ IBC में, और मुझे 6 मंथ्स कम्प्लीट हुए अभी, यहाँ IBC में आएंगे अभी लास्ट मंथ ही हुआ है 6 मंथ्स। तो मैं अपने आप को बहुत क्रेडिट देना चाहता हूँ, कोई देता नहीं है, लेकिन मैं अपने आप को देना चाहता हूँ कि मुझे पता है मैंने कितना स्ट्रगल किया है वॉक करने के लिए। मैं बहुत ग्रेटफुल भी हूँ क्योंकि मेरे पिताजी ने मेरे साथ हमेशा रहे हैं, मेरी मम्मी हमेशा मेरे साथ रही है, तो आई लव यू माय डैडी। एंड मेरी मम्मी को भी बताना चाहता हूँ कि मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ, और अभी तो मैं बस चलना सीखा हूँ, अभी मंजिलें और भी हैं, और मैं बहुत आगे जाऊँगा और कभी आपको निराश नहीं करूँगा। थैंक यू। गुड, वेरी इंस्पिरेशनल, वेरी इंस्पिरेशनल, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। थैंक यू आकांक्षा, बिकॉज वी वांट लाइक दिस। हर कोई इवन निमोनिया हो गया मेरे को समझ में आ गया है, उसके बाद रॉन्ग मेडिकेशन, ओके दैट आई अंडरस्टूड, बट वो व्हाट इज द बेसिक थिंग जिससे तुम्हें चक्कर आया? और सर बेसिकली ये सब स्टार्ट हुआ था एक डाइट आया था, कीटो डाइट। तो उस समय मैंने जिम ज्वाइन किया हुआ था, तो किसी ने मुझे बोला, जैसे हम सब लोगों की बातों पे आ जाते हैं, तो किसी ने मुझे सजेस्ट किया कि यार कीटो डाइट जो होता है उसको फॉलो करो। तो मैं उसको फॉलो करते करते फिर मैं उसको चेंज करके मैंने फ्रूट डाइट स्टार्ट कर दिया डायरेक्ट। तो मैंने सारे मील्स बंद कर दिए थे, कार्बोहाइड्रेट के सारे सोर्सेज बंद कर दिए थे, सिर्फ फ्रूट डाइट पर था। तो 1 मंथ जो मैंने उसमें फ्रूट लिया है, जूस पिया है, तो उसके कारण पर बॉडी में हर चीज़ सेटअप बिगड़ गया था, और लाइफ स्टाइल के कारण भी होता है ये सारी चीज़ें। तो उसी से जहर बढ़ने लग गया था, नॉट जहर, इट वॉज इम्बैलेंस ऑफ सर्टन प्रोटीन्स, विटामिन्स, पूरे अपने बॉडी में भी जो सिस्टम में चलती है। लॉट ऑफ पीपल न्यू, ओके दूसरे कहाँ हैं? तो ये ओरिजिनल और एक ड्रॉप पार्ट, आंखें खोलो, अ डेविल इज टेलिंग यू टू अनदर डेविल, और ये ऑल है जो आई थिंक लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। पर बाकी कहाँ हैं? तूने मुझे बोला था काफी सारे, मैंने बोला था यू हैव टू ब्रिंग ऑल ऑफ देम, ठीक है।